एक व्यक्ति की मौत ने 40 व्यक्ति के शहादत को दबा दिया। अमित शाह के रैली में 13 लोगों की मौत हुई, उसको दबा दिया। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से लेकर 11 मिनिस्टर ज्वाइन किए कांग्रेस, उसको दबा दिया। गर्मी में 13 लोगों का मरना, सरकार प्रायोजित पुलवामा की घटना करवाना और चुनाव लड़ना, हिंदुस्तान के 40 सुपुत्र को शहीद करके पॉलिटिकल वेंडेटा तय करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता। जब तक सतपाल मल्लिक जी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की बात पेट में पचा लिए थे, सवाल क्या था? सवाल था 2014 में पुलवामा की घटना, 2019 घटी थी। 15 तारीख को मैंने ट्वीट किया था कि ये घटना पहली दृष्टि में पप्पू यादव को नहीं लगता है कि हुई है, इसको करवाया गया चुनाव को लेकर। 40 देश के जवानों का की शहादत, मेरा सबसे पहला सवाल उस वक्त यही था कि आजादी के बाद कभी भी हमारे आर्मी को बगैर हेलीकॉप्टर के नहीं ले जाया गया, फिर बाय रोड क्यों? दूसरा सवाल था, जब बाय रोड ले जाया गया तो सेकेंड रोड को बंद करना चाहिए, फिर उसको खुला क्यों? तीसरा सवाल था कि काफिला में जो ओपन जिस गाड़ी का बुलेट प्रूफ नहीं था और जिसमें अलग अलग स्टेट के 4-4, 5-5 जवान को बैठा दिए गए थे, जो कभी आज तक नहीं हुआ, हर गाड़ी में कहीं न कहीं किसी न किसी सैनिक एक ही बटालियन के बैठते थे, अलग अलग बटालियन। और उस आरडीएक्स जिसमें 350 किलो आरडीएक्स था, 3 क्विंटल, उस आरडीएक्स वाली गाड़ी को यह कैसे पता थी कि अमुक गाड़ी बिना बुलेट प्रूफ की है और उसमें अमुक अमुक स्टेट के लोग बैठे हैं, ताकि लाश एक जेल एक स्टेट में ना जाए, जाए तो भारत के लगभग 17-18 स्टेट में जाए, ताकि अमूमन दंगा कराने या नफरत पैदा करने में सहूलियत हो सके। और वही हुआ, 350 क्विंटल 300 किलो 3 क्विंटल 300 किलो आरडीएक्स लोकल स्तर पर कहां से आया, कौन लाया, इसकी जांच 19, 20, 21, 22, 23 अभी तक क्यों नहीं? पाकिस्तान से आया तब भी जांच होनी चाहिए, हिंदुस्तान से आया तब भी जांच होनी चाहिए, वो आदमी कौन था तब भी जांच होनी चाहिए। और जो बात हम तब बोले थे, उसी बात को सतपाल जी ने कहा कि जब मैंने पीएम से फोन करके कहा हेलीकॉप्टर है मेरे पास दे दूं, तो बोला कि तुम चुप हो जाओ। फिर सतपाल मलिक ने जब दूसरे रोड को बंद करने की बात आई, तो कहा तुम चुप हो जाओ। अब जब ये सवाल अदानी को सस्ते दाम पर सब कुछ देने का सवाल मलिक ने उठाया, तो उसको आप सीबीआई जांच के लिए जाओ, सर से पानी उठ चुकी हो। जब इतनी बड़ी घटना बहस का मुद्दा हो रहा था, तो एक पुरानी गहरी साजिश के तहत अतीक अहमद की हत्या करवा दी। मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में, अतीक अहमद क्रिमिनल थे हैं या वो न्यायालय अपना देखता, न्यायालय फांसी देती, न्यायालय आजीवन कारावास देता। मैं मीडिया बंधु और मीडिया ट्रायल वाले से पूछना चाहूंगा, क्या हिंदुस्तान में किसी भी न्यायालय का कस्टडियन रहने के बाद जो जेल में हो, वह न्यायालय का सम्मान किसको रखनी चाहिए, उस सरकार को? यह हत्या अतीक अहमद की है या न्यायालय के कानून की? कानून का अपमान हुआ कि अतीक का? न्यायालय का
को आपने कोठी के नाम पर रख दिया। दूसरी चीज इनकाउंटर, इनकाउंटर किसका होता है? जब आपकी सरकार है तो 3 महीने के अंदर एसपीटी ट्रायल करके फांसी दिला दीजिए, आजीवन कारावास दिला दीजिए। इनकाउंटर क्रिमिनल का होता है, वो क्रिमिनल जो क्रिमिनल सिस्टम के लिए चैलेंज बन जाता है और वो फिर सिस्टम पर बम फेंकता है, गोली चलाता है, तब इनकाउंटर का कोई रास्ता बचता। अंतिम रास्ता पैर के नीचे गोली मारना, ऊपर नहीं, कमर के नीचे। चौथी चीज इनकाउंटर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कैसे होगी और किसी जाति विशेष धर्म विशेष को टारगेट करके लिए कैसे होगा? जोगी जी अभी तक एक भी क्रिमिनल अपने स्वजातियों को इनकाउंटर नहीं किया। सबसे ज्यादा केस है ब्रजेश सिंह पर 236, दूसरा केस है राजा भैया पर, तीसरा है ब्रजभूषण सिंह पर, चौथा है विनीत पर, सेंगर पर, धनंजय पर। इन्होंने सबसे पहला इनकाउंटर ब्राह्मण के क्रिमिनल से हरिशंकर तिवारी के घर डुकने से किया और सबसे ज्यादा ब्राह्मण, चमार, जादव और मुसलमान को इन्होंने टारगेट किया। पॉलिटिकल वेंडेटा 2024 के चुनाव के, जब दोनों भाई एमपी एमएलए थे, उन्होंने न्यायालय में सुरक्षा के लिए दिया हुआ था कि हमको बिना सुरक्षा के ना ले जाया जाए। कौन सी ऐसी मजबूरी आई कि रात में उनको अस्पताल ले जाने की बात आई? और मां छो, और जिस अस्पताल ले गए वहां के अस्पताल के सिविल सर्जन कह रहे हैं हमको कोई नॉलेज में है ही नहीं, जानकारी है ही नहीं, क्या ठीक को आना था? पांचवा चीज 9 GM जिसमें 26 पिस्टल की गोली, मौजर की गोली लगती है, 26 गोली 9 GM की पिस्टल जो इंडिया में नहीं है, वो 13 लाख की पिस्टल कहां से आई जब उसको झोपड़ी का घर? और उस वक्त गोली क्यों नहीं चली जिस वक्त गोली चलाई जा रही थी? कस्टडी में रह के उसको सेव किया गया, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगे यूपी में, क्यों नहीं बर्खास्त की जानी चाहिए? जो लोग बहस कर रहे हैं अतीक को लेकर, मेरा उनसे सवाल है, क्या आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है? क्या कानून, तो कानून को खत्म कर दीजिए और एनआरकी पैदा करिए। कानून सजा देना अतीक को, जहां तक बात है जिंदा, जब कुछ लोग ये चलाने लगते हैं कि अतीक का जिंदाबाद या कुछ, तो अनंत सिंह का जिंदाबाद होता है कि ललन सिंह जिंदाबाद होता है कि चुलाए यादव जिंदाबाद होता है कि नारकोटिक यादव जिंदाबाद होता है कि फल्ला सिंह जिंदाबाद होता है कि कौन ऐसा अपराधी माफिया दलाल है जिसका जिंदाबाद सोसाइटी और नेता नहीं, अति सरकार नहीं करती? समाज तो गलत लोगों का ही जिंदाबाद करता है। यदि किसी मनचले ने गलत तरीके से जिंदाबाद कर ही दिया तो क्या किसी आतंकवादी का जिंदाबाद किया? ये जो बाप दादा करते हैं ये लोग, तुम जिंदाबाद करो सही, हाँ उसके लोग जिंदाबाद करें तो गलत। ये कानून में बाइफरकेशन कैसे संभव? मैं चाहता हूं सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के द्वारा सतपाल मल्लिक ने जो बात कही है पुलवामा की, उसकी पूरी जांच, उत्तर प्रदेश में जितने इनकाउंटर हुए हैं उसकी पूरी जांच, सारे इनकाउंटर फेक है टोटल, उसकी पूरी जांच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की। एक व्यक्ति, एक अपराधी को आपने गोली मारा, एक व्यक्ति की मौत ने 40 व्यक्ति के शहादत को दबा दिया,
अमित शाह के रैली में 13 लोगों की मौत हुई, उसको दबा दिया। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री से लेकर 11 मिनिस्टर ज्वाइन किए कांग्रेस, उसको दबा दिया। तीन देश के सबसे बड़े मुद्दे, गर्मी में 13 लोगों का मरना, सरकार प्रायोजित पुलवामा की घटना करवाना और चुनाव लड़ना, हिंदुस्तान के 40 सुपुत्र को शहीद करके पॉलिटिकल वेंडेटा तय करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता।